नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूं आपके साथ नेहा। जुड़े हैं आज उन लोगों के बीच में, जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर कौर। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से, रतिया, और अभी यहीं पे शास्त्रामपुरा में। डेरे में आप कब से जुड़े हुए हो मैम? डेरे में हम हो गए 12 साल में। 12 सालों में आपने कुछ देखा है ऐसा कि जो मीडिया बोल रही है यहाँ पे गलत हो रहा है? क्या गलत क्या हो रहा है मैम यहाँ? जो मीडिया बोल रहे हैं मैडम, सब गलत ही बोल रहे हैं। जो हमने देखा है, जो सच्चाई है वो सच है, सच तो सच ही रहेगा। बाकी दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलती रहते हैं, लेकिन हमने जो सच देखा है हमारी आत्मा जानती है कि जो ये कह रहे हैं इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई है हमारा मन जानता है। मैम बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो सेफ नहीं है, अनसेफ है, आखिर ऐसा क्यों मैम? नहीं जी, ये बात नहीं है। अगर सेफ्टी है तो यहीं पे है, नहीं तो कहीं भी नहीं है दुनिया में। मैम जो 600 करोड़ संगत है उनके बीच में आज गुरुजी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है, जैसे आप जानते हो एक माँ के बगैर बच्चे का क्या हाल होता है, यही संगत का हाल है। मैम आप चाहते हो गुरुजी को यहाँ पे होना चाहिए? जी जरूर, हम तो यही अरदास करते हैं कि हमारे कुल मालिक है जो जल्दी से जल्दी देर रूप में हमारे सामने आए और हमें अरबों गुना खुशियाँ बख्शें जो हमें उनके आने से मिलेंगी। आखिर हो क्या जाएगा मैम ऐसा, मतलब गुरुजी अगर यहाँ पे होंगे तो क्या हो जाएगा? मेरी बात सुनो, ये है ना, क्योंकि हमारी जो आस्था है, 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे अगर कुछ है तो तभी जुड़े हैं ना, नहीं तो दुनिया में तो आपको पता ही है क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं चल रहा। लेकिन हमारा तो यही मानना है कि पिताजी जल्दी से जल्दी वापस आए। मैम आप वेल एजुकेटेड हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पीपल्स यहाँ पे लोग यहाँ पे जो संगत है वो अनएजुकेटेड है मैम, मैम ऐसा क्यों? नहीं ये बात गलत है। आप देखना जितनी भी मैनेजमेंट है वो कोई बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और या कोई भी बड़ा कोई काम फैक्ट्री वगैरह कोई भी चला रहा है, सब एजुकेटेड हैं, सब जुड़े, जितनी संगत जुड़ी। मैं तो मानती हूँ कि जो ज़्यादा संगत जुड़ी है वो एजुकेटेड ही है, ज़्यादा जुड़ी है। जो आप कहीं भी किसी से पूछ के देख लेना, आपको कोई भी कम पढ़ा लिखा यहाँ पे इंसान कोई नहीं मिलेगा। तो मैम सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे गुरुजी पे दोष लगाए गए हैं उनको उन दोषों से बरी किया जाए, क्योंकि इनमें दोषों में कोई भी सच्चाई नहीं है।